एक मिनट, क्या चार्जेस तो कोई ऐसी खास नहीं है, जो हमारे पार्टी के वर्कर्स हैं, अच्छे वर्कर हैं, वेल नोन वर्कर हैं, जहाँ पार्टी से जिनका ताल्लुक है, उनकी प्रॉपर्टियों उनके पास भी है या नहीं है ये भी मुझे पता नहीं है। जो नाम दिए गए हैं कि फलाने की इतनी प्रॉपर्टियाँ हैं, फलाने की इतनी प्रॉपर्टियाँ हैं, और ये सारी प्रॉपर्टियाँ मेरी हैं जिसका मुझे कोई इल्म भी नहीं है। ये इंक्वायरी है, इंक्वायरी हो रही थी, और 18 तारीख थी, मैंने सेशन के लिए मैंने दरख्वास्त दी, वो वेडनेसडे को था, और कश्मीर की एक कॉन्फ्रेंस भी थी। ये मैंने समझा 18 तारीख के बाद मुझे फिर लाया जाएगा इंक्वायरी के लिए। इस वक्त हमारे हुकूमत के अंदर कई बुजुर्ग हैं, हमें वजीर आजम, उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। नैब की अगर आप इंडिपेंडेंट देख लें तो जहाँ पर वादी हो जाती है कि जो अपोजिशन के हैं उनके ऊपर इंक्वायरी है तो उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, और जिनके ऊपर हुकूमत में है या तो उनको छोड़ देते हैं या उनको गिरफ्तार नहीं करते, उनकी सिर्फ इंक्वायरी चल रही है। तो ये सारा फाल और झूठ में मुबनी है। मेरा एक सियासी कैरियर है जो मैंने 50 साल से शुरू किया है, और 8 मरतबा मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने पार्टी के टिकट पे कामयाब हुआ हूँ। ये पार्टी का भी कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का भी मुझ पर कॉन्फिडेंस है। अगर कहीं मैं करप्ट होता या कहीं पे मैंने कोई ऐसी प्रॉपर्टियाँ ली होती तो शायद मेरा ज़मीर मुझे ज़रूर कहता, मगर मैं बड़ा वसूख से कहता हूँ, अपने अहतमाद से कहता हूँ, अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, आज तक मैंने करप्शन से लड़ाई लड़ी है। अपने इलाके में बिलियंस के प्लाट्स जो हैं, जो आज हुकूमत के अंदर लोग बैठे हैं, पीटीआई के अंदर हैं, उनसे खाली करवा के मैंने वहाँ पे गवर्नमेंट की बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए हैं, और जो आज भी वहाँ नज़र आते हैं। आप लोग भी जब तक खड़ा है वहाँ